बहुत पुरानी बात है, एक बहुत सुंदर नगरी के सामने दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की नजर उस सुंदर नगरी पर पड़ी। वाह वाह वाह, अति सुंदर। इस नगरी को देख के तो आंखें तृप्त हो गईं। बहुत सुंदर नगरी है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल सही फरमाया प्रेमपाल। अब बस इस नगरी में झोली भर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाए, फिर तो आनंद ही आनंद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे। बच्चा प्रेमपाल, तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओगे, और बच्चा वीरपाल, तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ, और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर, सूरज ढलने से पहले यही मिलना। चलो चलो, अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। जी जी गुरुजी महाराज। अरे वाह, चलो कोई तो दिखा। ऐसा करता हूँ, एक बार राशन का दाम पूछता हूँ, अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूंगा अपने साथ। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों बनिए, आटे का क्या भाव है? अरे अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, टके शेर बाबा जी। और चावल? वो भी टके शेर। और चीनी, चीनी क्या भाव दी? टके शेर। सब टके शेर? ये सब सच है क्या? एक बार दूसरी दुकान में पूछ कर देखता हूँ, उधर का क्या हाल है। अरे बेटी, टमाटर कैसे दिए? टके शेर बाबा जी। और गोभी? टके शेर बाबा जी, ये भी टके शेर। और ये वाली? साधु महाराज, ये भी टके शेर दिया। अरे वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब टके शेर। ओ भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? कौन हो, किस देश से आए हो, टके शहर की नगरी में क्या सोच के आए हो? कविता, तो हम कहाँ कम है, ये लीजिए। हम कहाँ से आएंगे भाई, अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना, जिधर शरण मिली उधर रात कटे, यही हम साधुओं का ठिकाना। अब जरा अपनी स्वादिष्ट मिठाई का मोल तो बताना। टके शेर बाबा, टके शेर, जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके शेर। ये क्या कहते हो हलवाई, सब टके शेर, सारी मिठाई टके शेर। वाह भाई वाह, नाम क्या है इस टके शेर की नगरी का? हलवाई। बाबा अंधेर नगरी। वाह वाह भाई, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो बाबा कुछ लेना हो तो बताइएगा, क्या बंधवाऊं आपके लिए? बच्चा, मांगकर 5 पैसे लाया हूँ, सबकी मिठाई कर दो। हाँ वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है, आज तो भिक्षा में प्रभु ने प्रसन्न कर दिया। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो।
बच्चा वीरपाल क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम होती है। गुरुजी महाराज, 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूँ। अरे बच्चा, 5 पैसे में गठरी भर मिठाई, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अरे राम 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 राम, राम बचाए लाखों पाए। बच्चा, ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं, जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। देख वीरपाल, क्यों जिद करता है? जब गुरुजी ने कहा चल तो चल यहाँ से, यहाँ रुकना उचित नहीं। अरे जा जा चिपको कहीं का, चिपका रहे अपने गुरुजी से। मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा। तू भूखा भिक्षा मांग, मैं नहीं जाने वाला। ना ना, रोना नहीं, चुप हो जाओ। बताओ बताओ, क्यों रो रहे हो? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। बहुत बुरा हुआ। हाँ तो फिर जाओ, उस कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। क्यों बनिए, ये कैसी दीवार बनवाई थी जो इसकी बकरी दब कर मर गई? बता। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। ये तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, सारा किया धरा उसी का है। क्यों कारीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चुने वाले ने चुना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा तो ये बात है, खैर उस चुने वाले को बुलाओ। क्यों चुने वाले, तुमने कारीगर को खराब चुना क्यों दिया? बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। उस भिश्ती को लाओ हमारे सामने। क्यों भिश्ती, इतना पानी क्यों मिलाया तुमने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लेकर आओ और इस भिश्ती को निकालो यहाँ से। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, घड़िए ने टकेसर में इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा तो चलो, इस कसाई को निकालो यहाँ से और गडरिये को लाओ यहाँ पर। क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तुमने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको आप निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ।
महाराज मेरा कसूर कैसे? मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था। भला अगर अपना काम नहीं करूंगा तो अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? ये तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे। नहीं नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ मंत्री जी, सही कह रहे हैं। तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? लेकिन महाराज, महाराज, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। गुरुजी बिना मुझे इस खूबसूरत नगरी से जाने को बोल रहे थे। मानता हूँ कि नगरी कुछ कारणों के लिए अच्छी नहीं, लेकिन मुझ साधु का क्या? मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को। वाह वाह वाह, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही दिन हुए हैं अभी नगरी में, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया? तभी राजा के कुछ सिपाही वीरपाल को घेर लेते हैं। यही मोटा सही है, चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो रहा है, आज मजा मिलेगा तुझे। अरे ये आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। हाँ, मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहां का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा जाओ जाओ यहाँ से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना का वक्त है, जाओ। साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले जाएं? बात क्या है, एक साधु आदमी को बिना किसी बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात ये है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, और हमारे कोतवाल साहब तो दुबले हैं। फिर हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा मिलनी जरूरी है ना, नहीं तो सच्चा न्याय हो नहीं पाएगा। हे प्रभु, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरु जी की बात न मानी। हे बाप रे, मुझ पे कसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, मुझे अभी नहीं मरना गुरुजी। अरे बच्चा वीरपाल, तेरी ये क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे गुरुजी। अरे बच्चा, अरे अरे, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे, बचाइए गुरुजी, बचाइए। देख बच्चा, डर मत, सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, इसके बाद तुम जो कर रहे थे वो कर लेना, अब हटो पीछे। महाराज हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी पर, भला तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाई ये क्या मामला है, अभी तक तो ये मोटा साधु रो रहा था, लेकिन अब ये पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है, समझ में नहीं आता, महाराज को इसकी खबर देकर आता हूँ। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। महाराज, ए चेले से मिलने गुरु आया, कुछ कान में बोला?
तभी से गुरु चेले में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा। ये क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। चलो गुरुजी महाराज के पास ले चलो हमें, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। बताइए गुरुजी महाराज, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं, हमको फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे। हमको हुक्म है। हाँ, भाइयों जल्दी करो, हमको फांसी दो। हाँ। नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी ना। चुप रहो सब लोग, महाराज के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो।